तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू व्लॉग वीडियो में। तो इस साथ गाइज, आज का जो सीन है ना, आज का सीन बहुत बढ़िया होने वाला, क्योंकि आज है 28 सितंबर गणेश विसर्जन का दिन। और आज के दिन जितने सबने गणपति बप्पा रखे हैं, वो सब आज उनका जितने ही धूमधाम से उन्हें लेके आए थे ना, उतने ही धूमधाम से उनका विसर्जन करेंगे। तो हमने भी रखे हैं छोटे से गणपति बप्पा, तो हम भी लेके जाएंगे अभी उनको विसर्जन करेंगे। तो अभी बज रहे हैं 10 और मम्मी कह रही हैं और पापा के आ जल्दी आरती में, तो आरती हो रही है, उसके बाद फिर चलते हैं अपने गणपति पापा को विसर्जित करने। और यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज डीजे भी बहुत होंगे, मज़ा सा आएगा एकदम। इसे बोलते हैं ना टॉप ही टॉप, प्रशासन भी बहुत तगड़ा है। तो फिर इसी के साथ साथ तुम्हारा भाई तैयार हो चुका है, मतलब तैयार ना हुआ, टी शर्ट यूँ पहनी है, क्योंकि वहाँ पर ना गुलाल उड़ेंगे। अगर मैं वहाँ पर बढ़िया कपड़े पहनता हूँ तो मेरे कपड़ों पर गुलाल आ जाएगा, फिर मम्मी लगा मैं डांट। तो इसलिए अभी नॉर्मल सा ही जा रहा हूँ। तो चलो इसी के साथ साथ नीचे पहुँचते हैं, मम्मी आवाज़ दे रही है, तब तक आप बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू मेरे भाई। तो फाइनली गाइस, अभी अभी निकले हैं घर का सामान लेने, क्योंकि भैया गणेश विसर्जन का कुछ सामान जो मम्मी ने मंगाया, तो उसे लेकर फिर चलते हैं अपने घर। और फिर भैया चलते हैं, भैया पापा पापा नहा लिए और उन्हें भी ड्यूटी पे से लेके आ गया हूँ, फिर अपने चलते यार। मतलब डीजे भी बजेंगे ना भाई, मज़ा बहुत कैड़ा आने वाला जैसे बोलते हैं। तो पहुँचते जल्दी सामान लेके अपने घर। भैया आपकी बार का सिस्टम बहुत अलग है, क्योंकि आपकी बार ना यहीं पे गणेश विसर्जन हो रहा है पीछे, क्योंकि नहर हो चुकी है बंद, और तो अपना गणेश विसर्जन नहीं हो रहा, हम तो अपना करके आ चुके हैं। और गाइस मतलब पिछली बार जो हुआ ना, मतलब डीजे वीजे भी तो कोई आया ना, आप तो वो आए हैं जो बिना डीजे वाले हैं, तो ढोल के साथ आए हैं और हम तो बिना ढोल से आए हैं, पर मज़ा बहुत आया भाई जिसे बोले। ढोल वाले ही मिल जाए, लाने की जरूरत ना। तो अपने चल रहे हैं, मम्मी में हम सब निकलते हैं, तो भगवान से ही प्रार्थना है जो मांगा वो सब पूरा हो जाए बढ़िया एकदम। चलते हैं अपने घर, और आपको शाम का टोरा दिखाता हूँ इसी ब्लॉग में, जो डीजे का टोरा होएगा। तो फाइनली गाइस, हम घर पे आ चुके हैं अपना गणेश विसर्जन करके, और यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और पता है अभी ना 12 बजे हैं, 12 बजे के बाद डीजे के साथ एकदम बढ़िया तरीके से जाएंगे सब, तो मैं भी जाऊँगा डीजे के साथ। कई दोस्तों ने रखे हैं घर के, उन्होंने तो डीजे लेके जाएंगे, तो उनके संग ही मौज लेता बजाऊँगा। तो इसी के साथ आप भोग आ चुके हैं, और फिर चलते हैं हम दोपहर को 12 बजे करीब, जब जाकर तुम्हें डीजे मिलेंगे एक से एक बढ़िया, और डीजे में मौज लेंगे। दोबारा जाएंगे अभी बाइक लेके जाएंगे, और पुलिस विसर्जन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, बस चिंता मत करो, चालान तुम्हारा कटेगा नहीं, चालान कोई नहीं काटेगा, योगी का सख्त आदेश है। डीजे के चालान और बाइकों के चालान कोई नहीं काटेगा, सब मौज लो आज के दिन 24 घंटे के लिए, ये अप्रूवल दिया है। तो चलो इसके साथ घर पहुँच गए हैं, तो चलते हैं घर और फिर मिलते हैं 12 बजे के टोरे में। तो फाइनली गाइस, इसी के साथ साथ अब निकल रहे हैं घर से, क्योंकि अब बज रहे हैं 2:30, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो डीजे इतने सारे अब आए हैं मेले में, क्योंकि अब मेला शुरू हो चुका है, और वैसे भी 2:30 बजे तक काम हो रहा था, क्योंकि अब लग गए भद्रा पर, फिर भी सब भद्रा में गणेश विसर्जन कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, वो भाई डीजे ना, मैं अभी देख के आया था, डीजे तो पीछे जा रहा है, ऐसा धुआंधाड़ हो जाता है वो जा रहा। तो चलते हैं, डीजे दिखाता हूँ आपको, एकदम मेला दिखाता हूँ टॉप पर, क्योंकि मेला अब है, क्योंकि सब लोग दोपहर में निकलते हैं, सुबह को बहुत सारे काम रहते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ साथ और दिखाते हैं दिखाते हैं आपको डीजे। फाइनली गाइस, ये जो अपनी आपने देखी थी ना, जहाँ की ये थी अपने आर डीजे के साथ, और आर डीजे पुलिस लाइन से है। और तो मैं डीजे भी दिखाऊंगा, साउंड जो सुनाऊंगा टॉप का साउंड बजा रहा है एकदम, मतलब हिला रहा है जैसे बोलने ट्रांस में, तो साउंड भी दिखाऊंगा। और अभी आगे बहुत डीजे हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ भी।
फाइनली गाइस जो डीजे थे ना अब तक के जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो ये डीजे अब तक के बुलंदशहर में जो टॉप चल रहे थे, मुझे बढ़िया लग रहे थे बजने में, तो वो डीजे थे और काफ़ी ख़तरनाक बज रहे हैं एकदम टॉप, जितने मैंने दिखाए अभी तक इस ब्लॉग में। और आगे भी दिखाऊंगा डीजे, आगे भी और डीजे हैं जो मैंने अभी तक दिखाए ना, तो अब तक के तो यही टॉप बज रही है बुलंदशहर के अंदर। और देखते हैं आगे भी कोई डीजे मिलते हैं तो एकदम हटो बचो। तो भैया आ रहे डीजे आ रहा, धुआं उठाता वो, और मैं खड़ा हो गया हूँ फ्लाईओवर के नीचे और देखूँ आ रहे डीजे का सॉन्ग क्या बजा रहा भाई साहब, एकदम धुआं उठा रहा और गाने भी एकदम टॉप के बजा रहा। तो देखते हैं अभी एक बार, तुम्हें भी दिखाता हूँ ये करवा रहे, उसी के चक्कर में खड़े भैया हम तो, ये मानो अपनी गणपति जी ने बिल्कुल घर के से हम मौज ले रहे, घूम रहे बैठ रहे, भुगते हो बाइक का यही करना आज, सारे डीजे देख के जाएंगे जितने भी डीजे बेस्ट डीजे, कुछ ही डीजे आए जो सही हैं बाकी सब तो ऐसे ही हैं। फाइनली गाइस इसी के साथ साथ अब मैं आ चुका हूँ घर और बजने रात के 9 बजे मैं घर में घुसा हूँ अपने। और यार डीजे का जो वो है ना सही रहा एकदम बढ़िया, ये काफ़ी ज़्यादा डीजे भी, डीजे अब की बार वैसे कम थे पर बड़े डीजे ज़्यादा, बड़े डीजे थे मुश्किल से 4 से 5 डीजे ही बड़े थे। और जो अब की बार गणेश चतुर्थी में कॉम्पिटिशन में सही डीजे रहा वो रहा पायल वाला, पायल वाला भाई इतना टॉप का बजा रहा खोल के बिल्कुल, जिससे भी कॉम्पिटिशन हो रहा कैड़ा बजा रहा। और दो एक कॉम्पिटिशन हुआ अपने आर्या वर्सेस डीजे अमित रॉक का, तो वो देखा तो उसमें तो भैया अपने तुमने देख लिया, कईयों को पता भी है कि अपने आर्या डीजे ने टॉप का सिस्टम हैंग कर दिया। और उनकी ना लगी पायल और आर्या की, और उनकी लगती तो मज़ा आता बट कोई ना, और भाई बहुत मज़ा आया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसे बोलते हैं। तो अपने घर पर आ गए, खाना वाना तो बाहर से खा के आया आज मैं, क्योंकि घर पर मना करती खाना बनी मत क्योंकि लेट हो जाऊँ, देखो भाई फंक्शन है और मतलब बुलंदशहर में डीजे हूँ और मैं ही ना जाऊँ तो बेकार है। तो अब इसी के साथ साथ भाई मेरे पेपर भी आ गए हैं प्री बोर्ड, अब दिक्कत हो रही है अपने प्री बोर्ड की तैयारी करनी है, तो व्लॉग जैसी भी है तो व्लॉग बनाऊँगा, डाल दे करूँगा कभी कभार बना के, वैसे भी बहुत रोज़ ना डालता हूँ कभी कभार डालूँ तो ऐसी रहेगी। तो इसी के साथ साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको व्लॉग काफ़ी पसंद आए, पसंद आए तो एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो राम राम सभी को मेरे भाई।